अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं फ्री मॉड्यूल्स की। टॉर्शन मॉड्यूल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और ये मिड से पहले हम लोगों का लास्ट टॉपिक है फ्री मॉड्यूल्स। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, फ्री मॉड्यूल होता क्या है। हम लेट करते हैं, लेट MBNR मॉड्यूल। M आपके पास कोई सा भी एक R मॉड्यूल है और इस R मॉड्यूल M कोई सा भी R मॉड्यूल है और ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होता है। ठीक है, एक्स जो है ये सबसेट है एम का और एक्स नॉट एम्प्टी, और ये एम्प्टी नहीं है, सॉरी मुझे कैपिटल एक्स लिखना चाहिए। एक्स एक सबसेट है एम का और एक्स जो है ये आपका नॉन एम्प्टी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये नहीं के। तो हम कहते हैं देन एक्स जनरेट एम फ्रीली, ये इसको फ्रीली जनरेट करता है। एक्स जनरेट जनरेट्स एम फ्रीली इफ एंड ओनली इफ दो बातें होनी चाहिए। नंबर वन, एक्स जनरेट x generates m as r module। नंबर वन, तो वो उसको x जो है m को जनरेट करता हो। ठीक है, यानी कि m का कोई भी एलिमेंट जो है वो x के एलिमेंट के लीनियर कंबिनेशन से बनता हो। ये तो वही बात है भाई जो हमने पहले की थी। ठीक है, एफ जी मॉड्यूल्स की जो हमने बात की थी पिछले से, पिछले टॉर्शन मॉड्यूल से पहले वाले लेक्चर में, ये सेम वही बात है। सेकंड कंडीशन इसकी डिफरेंट है, सेकंड कंडीशन पूरी होगी तो आपका यानी कि जो फ्री मॉड्यूल होता है वो एफ जी मॉड्यूल भी होता है। पहली कंडीशन से तो हमें ये पता लग गया। दूसरी कंडीशन क्या है, एनी मैपिंग, कोई भी आप मैपिंग ले लो किधर से, एनी मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू एन। ठीक है, एन एन क्या है, एन बी आर मॉड्यूल है इधर। ठीक है, मैं इधर लिख नहीं रहा, आप इसको डेफिनेशन में पढ़ लेना। कोई भी मैपिंग आप एक्स से लो किसी आर मॉड्यूल एन तक, यानी कि एक और मॉड्यूल है उसी रिंग के ऊपर, जिस तरह एम मॉड्यूल है उसी तरह एन बी मॉड्यूल है। तो कोई भी मैपिंग आप लेते हैं एक्स से, यानी कि एक्स सबसेट से एन तक, कोई भी मैपिंग उसको एक्सटेंड किया जा सके, कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड टू अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, टू अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म G from M to N। ठीक है, आपकी कोई भी मैपिंग जो है वो आप एक मैपिंग लेते हैं, ठहरे इसे थोड़ा सा जो है ना, आप एक मैपिंग लेते हैं, ये सेट X है जो नॉन एम्प्टी सेट था और ये एक मॉड्यूल है N। आप इनके दरमियान में अगर कोई भी मैपिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप F लेते हैं, तो इस मैपिंग को एक्सटेंड किया जा सके x से n की बजाय, मैं इस मैपिंग इसी मैपिंग को f को ही बढ़ा के मैं कर लूं m से n तक। ठीक है, इसी मैपिंग को मैंने चेंज किया है x से n की बजाय, इसी मैपिंग को मैं
एम से एन तक कर लूं, मैं उसको नया नाम दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल जी, यानी कि एफ और जी सेम है, एफ ऑफ एक्स जो मैपिंग है वही बेसिकली जी ऑफ एक्स मैपिंग है, दोनों का डिफरेंट नहीं है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। यानी कि आप एक इधर एलिमेंट लेते हैं एक्स और उसमें इसको पुट करते हैं, आपके पास आंसर एन में आता है। तो अगर आप उसी एक्स को इधर लें मॉड्यूल में लें, तो आपके पास इसको अगर आप जी के अंदर पुट करते हैं एक्स को, तो इसका आंसर भी वही आए, ओके। यानी कि एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, एनी मैपिंग, कोई एक नहीं, कोई भी आप मैपिंग लेते हैं एक्स से एन तक, उस मैपिंग को एक्सटेंड किया जा सके, उसके लिए देयर एग्जिस्ट अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, उसके लिए आपको एक मैपिंग मिलनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग मिलनी चाहिए सेम स्ट्रक्चर के साथ एम से एन तक, कि आपके पास एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल हो, यानी कि दोनों मैपिंग सेम आंसर दें। एफ जो आपको इमेज देता है, प्री इमेज, सॉरी इमेज जो देता है, ये इमेजेस होती है ना सारी, जो इमेज आपको एफ देता है वही इमेज आपको जी भी दे, लेकिन ये देखें ये आपकी मैपिंग एम से एन तक है जी जो है, और एफ आपकी मैपिंग जो है एक्स से एन तक है। तो ये हम बेसिकली इसमें कहते हैं, फ्री मॉड्यूल क्या होता है, ऐसा मॉड्यूल जो जनरेट हो फ्रीली बाय सम सबसेट इज कॉल्ड फ्री मॉड्यूल। जैसे कि एक्स है, एक्स इसको फ्रीली जनरेट कर रहा है, कब फ्रीली जनरेट करेगा, दो बातें होंगी, नंबर वन एक्स जनरेट करे, नंबर टू कोई भी मैपिंग, ये दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस पूरी हो तो हम कहते हैं जो भी मॉड्यूल फ्रीली जनरेट होगा सम सबसेट एक्स की वजह से, उसको हम लोग फ्री मॉड्यूल का नाम देंगे। उसके बाद डेफिनेशन आती है बेसिस की, बेसिस जो सेट भी जनरेट करता है आर मॉड्यूल को फ्रीली इज कॉल्ड बेसिस ऑफ फ्री मॉड्यूल और सम टाइम कॉल्ड फ्री बेसिस, ठीक है। यानी कि जो x, जैसे x जनरेट कर रहा है फ्रीली m को हमारी डेफिनेशन के मुताबिक, तो x जो सेट जनरेट कर रहा है इसी सेट को हम लोग नाम देते हैं बेसिस का, ठीक है। यानी कि जनरेटिंग सेट को ही बेसिस कहते हैं जो फ्रीली जनरेट कर रहा होता है, या समटाइम इसको हम लोग फ्री बेसिस भी कहते हैं। तो इसका थ्योरम नंबर वन देखते हैं, बस थ्योरम नंबर वन ही देखेंगे आज, बाकी हम अगले लेक्चर में ही करेंगे। थ्योरम नंबर वन कहते हैं होमोमॉर्फिज्म डिफाइन इन डेफिनेशन ऑफ फ्री मॉड्यूल इज यूनिक। होमोमॉर्फिज्म डिफाइन इन डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ define the definition of free module is unique। okay, इसका प्रूफ चेक करते हैं, प्रूफ आपने प्रूफ क्या करना है, कि आपने कहा है कि अगर एक मॉड्यूल आपका x से जनरेट हो रहा है तो आप उसको फ्रीली जनरेट तब कहते हो कि कोई भी मैपिंग जो है x से n तक उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं m से n तक, ठीक है। x की बजाय आप इधर m ले सकते हैं, होमोमॉर्फिक मैपिंग। कहते ये जो होमोमॉर्फिज्म बनती है ना इसमें g फ्रॉम m टू n, कहते ये होमोमॉर्फिक मैपिंग जो होती है ये यूनिक, ये एक ही होती है, ठीक है। आप एक मैपिंग को अगर f मैपिंग है, इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं होमोमॉर्फिक मैपिंग m से n तक, तो ऐसी मैपिंग यूनिक होती है बिल्कुल, जो हमारा मेथड आमतौर पे हम लोग करते हैं, हम कहेंगे नई यूनिक, दो मैपिंग्स ले लेंगे और एंड पे देखेंगे क्या बाकी दो एग्जिस्ट करती हैं, या दोनों जो मैपिंग दो डिफरेंट ली हैं क्या वो एक जैसी हैं, तो इसी वे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसके प्रूफ के लिए लेट करते हैं, लेट
एम बी या फ्री मॉड्यूल, एक फ्री मॉड्यूल लेते हैं ना सबसे पहले, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था, आपके पास फ्री मॉड्यूल होना चाहिए। लेट एम बी अ फ्री मॉड्यूल, अगर फ्री मॉड्यूल है तो ये कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड होता है, तो हम मान लेते हैं जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए ना, एक्स जो भी नाम दें आप, डेफिनेशन में हमने एक्स बोला था तो उसको हम कह देते हैं कि भाई वो सेट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन। तो हमने एक मॉड्यूल ले लिया जो फ्रीली जनरेट हो रहा है किसी सबसेट एक्स से, ओके। तो अब जब फ्रीली जनरेट हो रहा है तो मेरे पास अगर एक मैपिंग है एफ एक्स से एन तक, एनी मैपिंग, कोई सी भी मैपिंग लेते हैं, जो मर्जी नाम दे लें, एफ नाम दे लें, एच दे लें, कुछ भी दे लें, तो एक मैपिंग मेरे पास एफ से लेके एन तक है, एन एक आर मॉड्यूल है, तो डेफिनेशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट, हमें पता है कि एक मैपिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जी, किधर से, एम से एन तक, ठीक है, एक्स की बजाय हमारी मॉड्यूल से लेके एन तक एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जिसका एक्स जिसका सबसेट था, एक्स सबसेट था एम का, तो मेरे पास एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होगी एम से एन तक, सच दैट जी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है, यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, इसी की एक्सटेंशन होगी कि जो आंसर एफ देता है वही आंसर आपका जी भी देता है, जी ऑफ एक्स आई, एक्स आई अगर आपकी प्री इमेज है तो उस जो इसने इमेज देनी है एफ ऑफ एक्स आई ने भी सेम वही इमेज देनी है, डेफिनेशन हमें ये कहती है फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी एक्स आप इसमें से एक्स वन ले लें एक्स टू ले लें, जी ऑफ एक्स वन का आंसर एफ ऑफ एक्स वन के इक्वल होगा, जी ऑफ एक्स टू का आंसर एक्स टू के इक्वल होगा एंड सो ऑन, ठीक हो गया। हम लेट करते हैं, लेट एक मैपिंग और है एच, वो भी सेम यही है एम से, ये भी एक्सटेंशन है एम से एन तक की बिल्कुल, और ये भी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग एग्जिस्ट करती है, अगर ये मैपिंग भी एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, मेरे पास अगर ये इज एन अदर मैपिंग एंड इज एन अदर होमोमॉर्फिज्म, इज एन अदर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, मॉड्यूल होमो मॉर्फिज्म, तो क्या होगा, मेरे पास एज ऑफ एक्स आई का आंसर भी इक्वल होना चाहिए फिर एफ ऑफ एक्स आई के, भाई ये भी तो सेम उसी डेफिनेशन को पूरा कर रही है ना, ये भी एक्सटेंशन है उसी होमोमॉर्फिज्म की सेम उसी तरह से। अब हम अगर एक एलिमेंट लेते हैं नौ, एम अगर मैं लेता हूं एम से कोई एलिमेंट मॉड्यूल में से पिक करता हूं, तो आपको पता है कि मॉड्यूल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो उस एम को लिखा जाना चाहिए आर वन एक्स वन प्लस आर टू एक्स टू, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, उसे मैं क्लोज करके लिख देता हूं आर आई एक्स आई, आई फ्रॉम वन टू एन, यही बनेगा ना, सम को ओपन करेंगे आर वन एक्स वन आर टू एक्स टू, आर आई आपको पता है इधर स्केलर जो कि रिंग से लिए जाते हैं, आपका रिंग चूंकि आर है, हमने बात किया कि आर मॉड्यूल है, और एक्स आई जो है ये एक्स से बिलोंग कर रहे हैं बेसिकली, ओके। अगर मैं इस पे जी अप्लाई कर दूं दोनों तरफ, जी ऑफ एम इज इक्वल टू जी इनटू समेशन आर आई एक्स आई, अब इस जी को सम के अंदर भेजा जा सकता है, क्यों, क्योंकि जी आपकी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हम कह रहे हैं एग्जिस्ट कर रही है, ये बोला था ना कि जी आपके पास एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, डेफिनेशन ये कहती है, तो होमोमॉर्फिज्म की वजह से ये जी जो है ये जी ऑफ ए प्लस बी जो है ये इक्वल होता है जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी, अगर लहदा लहदा सम है तो सम को इकट्ठा भी लिखा जा सकता है सभी एलिमेंट्स पे, सो मैं सम के अंदर इसे भेज सकता हूं, सो जी इंटू आर आई एक्स आई आई फ्रॉम वन टू एन, ओके।
और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म का दूसरा एक्सियम ये कहता है कि स्केलर को बाहर भी निकाल लो बेशक। सो जी ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम वन टू एन, दोनों एक्सियम मैंने यूज कर लिए होमोमॉर्फिज्म के। लेकिन जी ऑफ एक्स आई तो एफ ऑफ एक्स आई के इक्वल है ना, हमें पता है आर आई जी ऑफ एक्स आई इक्वल है एफ ऑफ एक्स आई के। ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में हमने डेफिनेशन में ये बोला है ना, डेफिनेशन ये कहती है कि आपके पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करनी चाहिए इसी की एक्सटेंशन, तो ये सेम होती हैं दोनों। तो लेकिन एफ ऑफ एक्स आई किसके इक्वल है, हमें पता है एफ ऑफ एक्स आई तो इक्वल है एच ऑफ एक्स आई के भी, तो मैं इधर पुट कर देता हूं समेशन आर आई एच ऑफ एक्स आई। ओके, तो आर आई को फिर से अंदर भेजा जा सकता है, एच भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, सो आर आई को अंदर भेज दो आर आई एक्स आई आई फ्रॉम वन टू एन, आप खुद से लिखते जाएं। और इसी तरह से एच को बाहर भी निकाला जा सकता है, एच भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, जिस तरह जी को अंदर भेजा था बाहर भी लिख सकते हैं अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैंने सम से बाहर निकाल लेता हूं एच को, आर आई एक्स आई आई फ्रॉम वन टू एन। लेकिन आर आई एक्स आई किसके इक्वल है ये सारा सम, ये तो m के इक्वल है, m का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना था, सो ये इक्वल है m के, सो h into m, ठीक है ये सारा m के इक्वल है, सारे पे h है ना, पूरा सम में h उसके अंदर है। सो आपका फाइनली क्या आ गया, g ऑफ m इक्वल आ गया h ऑफ m के। तो दोनों तरफ एक ही एलिमेंट अप्लाई हो रहा है हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल m इक्वल है, इसका मतलब है ये मैपिंग भी इक्वल होगी, जी इक्वल होगा एच के बाय इक्वालिटी ऑफ मैप्स। अगर दोनों पे सेम एलिमेंट अप्लाई हो रहा है, दोनों इक्वल है, तो आपस में मैपिंग भी इक्वल है। तो देखें दो मैपिंग जो आपने डिफरेंट ली थी वो तो इक्वल ही निकल आई है, इसलिए जो ऐसी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है ना आपकी, जो एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है जी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एम से एन तक फ्री मॉड्यूल्स के अंदर, जो डेफिनेशन में हम कहते हैं ये होमोमॉर्फिज्म यूनिक होती है, ठीक है, दिस होमोमॉर्फिज्म इज यूनिक बाय दिस कंडीशन। ओके, तो ये प्रूफ हो गया थ्योरम, दैट इंप्लाइज जी इज यूनिक। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम ये प्रूफ करेंगे कि हर फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल जो होता है वो इमेज होती है किसी फ्री मॉड्यूल की, यानी कि ये फ्री मॉड्यूल अगर पड़ा है ना इधर, ये फ्री मॉड्यूल पड़ा है तो इसकी इमेज इधर, इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठते हैं और इधर आपके पास जो होता है FG मॉड्यूल बन जाता है, यानी कि फ्री मॉड्यूल के अंदर बेसिकली MG मॉड्यूल FG मॉड्यूल पड़ा होता है, पहले FG मॉड्यूल होता है उसके बाद एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन के बाद जो आपका FG मॉड्यूल है वो फ्री मॉड्यूल बनता है, ये चीज हम लोगों ने प्रूफ करनी है। तो अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये हमारा थोड़े से आर्टिकल्स रह गए इसलिए मैं एक एक थ्योरम करके हम लोग करेंगे, आप पिछला अपना रिपेयर करते जाएं, मिड टर्म आपका 18 से मिड टर्म है, तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक लिए अल्लाह।